जय श्री राम सभी प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और कह भी रहे थे कि सर नए सेशन की क्लास यूट्यूब पर आएगी कि नहीं आएगी, और क्लासेस आएंगी तो कब से आएंगी, कैसे होंगी, सारी चीजों के बारे में आप लोग काफी लंबे समय से परेशान थे और मैसेज फोन कॉल कर रहे थे। तो प्यारे बच्चे, आज के इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके नए सत्र की क्लासेस किस तरह से आपको यूट्यूब पर दी जाएंगी और कितनी क्लासेस दी जाएंगी, सारी चीजों के बारे में हम लोग इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चे, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस सेशन आपकी कौन कौन सी क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी और कौन कौन सी क्लासेस आपकी पेड क्लास में चलेंगी जो चल रही है। तो प्यारे बच्चे, यूट्यूब पर इस सेशन की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस जिस तरह से प्रीवियस ईयर में चली थी, इस वर्ष भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। मतलब कल से आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंट क्लासेस किस तरह से मिलेंगी, तो प्यारे बच्चे जैसे पहला आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्लास ट्वेल्थ की बात कर रहे हैं। जैसे क्लास ट्वेल्थ में पहला प्रोज का चैप्टर है और आपको पता है कि प्रोज के चैप्टर में आपका शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका इस पहले चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आएंगे और उस इंपॉर्टेंट क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उस क्लास में सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। मींस उस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, मींस रहेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर की क्लास ट्वेल्थ के बच्चों की भी बात कर रहे हैं, तो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो है प्रत्येक चैप्टर की एक एक इंपॉर्टेंट क्लास आपको दी जाएगी और वो क्लास लंबी क्लास होगी, एक घंटे डेढ़ घंटे जितना भी जो है, जब तक जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरा उसमें कंप्लीट किया जाएगा, चाहे जितना भी समय लग जाए वो ज्यादा मायने नहीं रखेगा कि कितना समय लग रहा है। और इस बात की गारंटी देते हैं प्यारे बच्चे, अगर आपने उन इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड कर लिया तो आपकी बोर्ड परीक्षा में वहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसके अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। प्रत्येक चैप्टर की केवल आपको एक ही क्लास अटेंड करना है और वो क्लास आप छोड़ नहीं सकते हैं। वो क्लास चाहे पेड क्लास वाले बच्चे हो, चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हो, कोई भी बच्चा उस क्लास को छोड़ नहीं सकता है। बस पेड क्लास में इतना डिफरेंस है कि वो सारे प्रश्न पेड क्लास में पहले कराए जा चुके हैं, उनके लिए केवल टिक करना है, क्योंकि पेड क्लास में आपका सारे प्रश्न उसमें कराए जाएंगे, जितनी आपकी किताब में प्रश्न दिए हुए हैं, मींस जो आपकी नई अपडेटेड किताब आई हुई है जो है मार्केट में, जिसमें 2024 की भी प्रश्न शामिल हैं, तो सभी प्रश्न आपको पेड क्लास में कराए जाएंगे, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं जाएंगे। और YouTube पर केवल इंपॉर्टेंट क्लासेस मींस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। तो ये डिफरेंस हो गया पेड क्लास और YouTube पर। और YouTube वाले बच्चों के लिए भी इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपने उतनी क्लासेस केवल अटेंड कर लिया जितनी आपको देंगे, तो आपका आराम से काम हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और लिटरेचर में से उसके अतिरिक्त कहीं से भी प्रश्न नहीं जाएगा। और इसी तरह से आपकी ग्रामर की भी क्लास रहेगी, ग्रामर में भी जो आपका टॉपिक है उसकी जो है हर टॉपिक की दो तीन क्लासेस होंगी और उस दो तीन क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे पूरी तरह से कवर कर दिया जाएगा। ये तो क्लास ट्वेल्थ हो गया। इसी तरह से क्लास इलेवेंथ की भी क्लास मिलेगी और इसी तरह से क्लास टेंथ की भी क्लास यूट्यूब पर देखने को आपको मिलेगी। तो अब आप लोग इंतजार जो इतना दिन से कर रहे थे कि सर अभी तक क्लासेस नहीं मिल रही है, तो भैया आपका इंतजार अब कल से ही समाप्त हो जाएगा। आपको जो है सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी और कोई भी बच्चा उन इंपॉर्टेंट क्लासेस को नहीं छोड़ेगा, इस चीज को आप दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रश्न का आपका उत्तर मिले और इसके साथ साथ पूरा डिटेल से कवर कराया जाए, तो आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल से आपका कवर कराया जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है।
और कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अब तो सिलेबस आगे जा चुका है पेड क्लास में, तो हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो भैया अभी इतना भी सिलेबस आगे नहीं जा चुका है कि आप कवर नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल से आपकी क्लास चल रही है, तो आपका 15-20 दिन 25 दिन इधर आपका छूटा हुआ है, तो इसे आप बैकलॉग जो है संडे में कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका 1 से लेकर 15 जून तक जो है क्लासेस पेड क्लास में आप रहेंगी, जो है मीन्स छुट्टी रहेगी 1 से 15 जून तक। तो जो भी आपका इधर छूटा रहे तो आप उस जो है छुट्टी में बैकलॉग को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी कि सर बैच बहुत लेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है डिटेल हो गया। आप लोग जो है काफी समय से फोन कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर यूट्यूब पे क्लास लाइए, तो भैया बिल्कुल यूट्यूब पर क्लास आएगी, ठीक है। और बाकी जो है जैसे चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन की आपको क्लास अटेंड करना है यूट्यूब वाले बच्चों को, तो प्यार से आपका यूट्यूब पर दिया गया है सारी क्लासेस प्रीवियस ईयर में उसके पहले दी गई है, तो आप लोग कोई भी क्लास देख करके जो है वहां से हिंदी एक्सप्लेनेशन अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है विस्तार से सारी चीजों को हमने आपको बता दिए, और बस आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। जिस तरह से जो है आपने प्रीवियस ईयर में देखा, मींस जो अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, टॉप 10 में अपने कई सारे बच्चे टॉप 10 में आए हुए थे, तो इससे उसी प्रकार से आपको भी इस बार की बोर्ड परीक्षा में उसी तरह से आपको टॉप 10 में आना है। प्रदेश के टॉप 10 श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश का जो टॉप 10 की सूची बनी हुई थी जिसमें लगभग 40 से 50 बच्चे थे, उसमें 10 से 12 बच्चे अपने बच्चे थे। तो इसलिए प्यारे उसी तरह से आपको भी जो है आपको भी उसी तरह से इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसी तरह से आपको टॉप 10 की श्रेणी में आना है। उसके लिए आपको अभी से बहुत ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान दीजिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना पड़ेगा तब आप उस सूची में आ पाएंगे। और आपने इस वर्ष देखा कि इंग्लिश में 97 नंबर, 98 नंबर, 99 नंबर, बहुत सारे नंबर का जो है अंबार लगा हुआ था। इंग्लिश में इस बार लगभग जो है 95 के ऊपर जो एडमिशन हुआ था, लगभग 400 से ज्यादा बच्चे इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स पाए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड इस बार का था। पिछले कई वर्षों से इतनी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे इंग्लिश में, लेकिन इस वर्ष का जो है रिजल्ट इंग्लिश में 95 प्लस है जो पाने वाले बच्चों की संख्या, केवल हम पेड क्लास की बात कर रहे हैं, 400 से ज्यादा बच्चे 95 प्लस मार्क्स पाए हुए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो अभी आप लोग भी मेहनत करिएगा और पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब के बच्चे हो चाहे पेड क्लास के बच्चे हो, तो यूट्यूब पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस दी जाएंगी और सारी जो है डिटेल्स उसमें कवर कराया जाएगा, कोई उसमें जो है जल्दबाजी नहीं होगा, ठीक है। और पेड क्लास में तो पूरा डिटेल से कराया ही जा रहा है, उसमें तो पूछने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, सारी चीजें बेहतरीन ढंग से इस वर्ष भी होंगी, ठीक है। तो यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब सेशन की समाप्ति करेंगे। और आप लोग मेहनत में कोई कमी मत करिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, मेहनत में आपके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ आपके जो है पूरे साल लगे रहेंगे, सारी चीजें बेहतरीन होंगी। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अब आपके इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, इस नए सत्र की इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।